नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेस मालपुरा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेस मालपुरा में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के लोक देवताओं की। लोक देवताओं में हम सर्वप्रथम बात कर रहे थे राजस्थान के पंच पीरों की। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के पंच पीरों में शामिल लोक देवता गोगाजी चौहान की। गोगाजी चौहान, मतलब ये चौहान वंशीय राजपूत थे। इनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। जन्म हुआ ददरेवा गांव जो वर्तमान में है चूरू। पिता का नाम जेवरजी चौहान, और माता का नाम बाछन दे, गुरु हुए गोरखनाथ, ऐसा कहते हैं कि विवाह के बाद भी जब जेवरजी और बाछन दे के पुत्र नहीं हुआ तो इन्होंने भक्ति की गोरखनाथ जी की, और गोरखनाथ जी ने एक फल दिया इन्हें गूगल। ये फल है, सर्च इंजन नहीं है। जो आप गूगल करते हो वो गूगल नहीं है। गूगल एक मीठा फल होता है, ये फल इनको दिया और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्हें गोगाजी का, इनके घर गोगाजी का जन्म हुआ। अब गोगाजी का नाम रखा गो से तो गोरखनाथ और गा से गाय, यानी एक शब्द लिया गोरखनाथ जी का, एक शब्द लिया गाय का, और नाम हो गया गोगा। इनकी पत्नी थी केलम दे, और यदि उपनाम की बात करें, उपनाम इन्हें कहा जाता है नागों के देवता। इन्हें कहा जाता है जाहर पीर, और इन्हें कहते हैं जाहर पीर महमूद गजनवी ने कहा था, यानी जिंदा पीर। और गोगा पीर, नागों के देवता इन्हें कहा जाता है। एक बार एक कहानी है, जनश्रुति है, इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानी है। कहानी यह है कि गोगा जी का विवाह हो रहा था केलम दे से। जब विवाह हो रहा था, गोगा जी शादी करने के लिए जा रहे थे, तो कहते हैं कि केलम दे को एक नाग ने डस लिया, और नाग ने डसने के बाद केलम दे मूर्छित हो गई और धीरे धीरे मरणासन अवस्था में पहुंच रही थी। लेकिन जब गोगा जी को इस बात का पता चला तो गोगा जी ने एक कढ़ाई में तेल गरम किया और कुछ मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। जब मंत्रोच्चारण स्टार्ट किया तो संसार के जितने भी नाग थे वो सब आकर उस कढ़ाई में गिरने लगे। तब ऐसा कहते हैं कि नागों का रक्षक या नागों का राजा नाग होता है तक्षक नाग, और तक्षक नाग स्वयं वहां पर आया। उसने गोगाजी से क्षमा याचना की, केलम दे का जहर चूस के उसे बचाया, और इसने तक्षक नाग ने गोगाजी को आशीर्वाद दिया नागों के देवता। आज भी कहते हैं कि ददरेवा चूरू की मिट्टी अगर कहीं सांप खा जाए, वहां लगा ले तो वहां सांप का जहर खत्म हो जाता है। तो ये इनके परिवार की बात हुई। अब आगे बात करते हैं। तो आगे हम गोगाजी की बात करें, गोगाजी की मृत्यु से संबंधित, यानी मृत्यु कैसे हुई इनकी, तो वंश भास्कर में सूर्यमल मिश्रण के अनुसार हुआ कि इनके चचेरे भाई थे अर्जुन व सुरजन। अर्जुन और सुरजन का गोगाजी को जमीन पे लेके कोई विवाद था। अब अर्जुन और सुरजन ने क्या किया, राज्य की सभी गायें लेकर कहां पर आ गए, महमूद गजनवी के पास, और जब ये महमूद गजनवी के पास है, ये बात जब गोगाजी को पता चली तो गोगाजी आए और महमूद गजनवी से गोगाजी ने युद्ध किया। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया। जब गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध करके गायें तो बचा ली, लेकिन इस युद्ध में गोगाजी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब वीर गति को प्राप्त हो गए। जब इनका युद्ध कौशल देखा तो महमूद गजनवी ने इन्हें कहा जाहर पीर, यानी जिंदा देवता, गोगाजी के युद्ध कौशल को देखकर। अब इस युद्ध में माना जाता है कि सिर तो इनका गिरा ददरेवा चूरू में, सिर गिरा ददरेवा चूरू, यहां पर गिरा सिर तो यहां पर बनी सिरसमेड़ी, सिरसमेड़ी या सिरमेड़ी। यहां का जो मंदिर है उसको कहा जाता है सिरमेड़ी या सिरसमेड़ी। और धड़ गिरा इनका नोहर हनुमानगढ़, धड़ गिरा नोहर हनुमानगढ़, और इसको कहा जाता है दुर्मेड़ी। सिर ददरेवा चूरू में गिरा और यहां दोनों ही जगह इनके क्या है मंदिर। अब सिर ददरेवा चूरू में गिरा, धड़ नोहर हनुमानगढ़ में गिरा। अब आप सोचोगे कि जब ये इतनी बात हो गई तो इन्हें गोगा पीर क्यों कहा गया है, तो इसके पीछे का कारण यह है, गोगा जी के मंदिर में आपको दो पुजारी मिलेंगे, एक तो हिंदू पुजारी और दूसरा मुस्लिम पुजारी। मुस्लिम पुजारी क्यों मिलेंगे? कहते हैं कि गोगा जी के ही 17वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति हुआ कायम सिंह, कायम सिंह या करम सिंह, और करम सिंह को मुसलमान बना दिया गया था, और इसी कायम सिंह के वंशज कहलाए कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान। अब थे गोगा जी के वंशज, तो गोगा में नोहर हनुमानगढ़ में दुर्मेड़ी के अंदर मूल मंदिर का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। यानी मंदिर निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और इस मंदिर पर एक शब्द लिखवाया बिस्मिल्लाह। क्या लिखवाया? बिस्मिल्लाह। और इसी मंदिर का वर्तमान स्वरूप, ये ध्यान रखना, वर्तमान स्वरूप, यानी वर्तमान में आप जब जाओगे तो ये मंदिर जो है वो बनवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर मूल मंदिर बनवाया गंगा सिंह। अब दो मंदिर तो ये हो गए ददरेवा चूरू और नोहर हनुमानगढ़। इसके अलावा गोगा जी का एक मंदिर और है, ये तो पहला, दूसरा और तीसरा मुख्य मंदिर गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी बोलते हैं झोपड़ी को, और ये है सांचौर जालोर, सांचौर तहसील है, सांचौर जालोर, जालोर जिला है। यहां पर है गोगा जी की ओल्डी। अब हमने सर्वप्रथम राजस्थान की कला संस्कृति में टॉपिक लिया था त्योहार। उसको लेने के पीछे कारण क्या था कि जितने भी लोक देवता आएंगे, लोक देवियां आएगी या मेले त्योहार, सब किस पे चलेंगे के हिंदू कैलेंडर पर। अब हिंदू कैलेंडर के अनुसार अब अगर गोगा जी का देखें तो उनका मेला कब लगेगा? गोगा नवमी के दिन। गोगा जी को कहा जाता है नागों के देवता या सांपों के देवता। नाग होते हैं काले, तो गोगा जी की जो नवमी मनाई जाएगी वो किस पक्ष में मनाई जाएगी? काले पक्ष में, और उसी दिन लगेगा मेला। तो इन जगहों पर इनका मेला लगता है गोगा नवमी के दिन, गोगा नवमी। और गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी इस दिन लगता है इनका मेला। इसके अलावा कुछ अन्य बातें हैं, उन पर भी बात करते हैं। अब देखो गोगा जी की जो पूजा होती है, पूजा वो किसकी होती है? प्रत्येक लोक देवताओं की जो अपनी पहचान है, जैसे तेजाजी की हम देखें तो पत्थर पे जो मूर्ति होती है उस पे अश्वारोही एक घुड़सवार होता है और उसके भाले से एक सांप लिपटकर जीभ को डस रहा होता है। उससे हमें ये पता चलता है कि ये मूर्ति किसकी है? तेजाजी की। वैसे ही गोगा जी की कोई मूर्ति नहीं होती है, इन्हें कहा जाता है सांपों के देवता। तो केवल किसी की एक मूर्ति पर सांप का चिन्ह, सांप का चिन्ह, यानी सांप का चित्र या पत्थर पे, लकड़ी पे या कागज पे सांप का चित्र होता है, उसकी पूजा होती है। कहते हैं गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगो। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका स्थान होता है जिसे थान बोलते हैं। थान एक लगभग कॉमन नाम है, तेजाजी के स्थान को भी थान या देवरा कहा जाता है। इसके अलावा जब किसान होता है, किसान खेत में हल जोतने से पहले हल व हाली को गोगा राखड़ी बांधता है। हल और हाली, हाली जो हल चलाने वाला होता है उस पर किसान गोगा राखड़ी बांधता है। गोगा राखड़ी बांधता है, किसको बांधता है? हल प्लस हाली। हाली जो हल चलाने वाला होता है। जो गोगा राखड़ी होती है वो एक धागा होता है, इसमें 9 गांठें होती है। कितने गांठें होती है? 9 गांठें होती है। ये है हमारे लोक देवता गोगाजी चौहान।